मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का बहुत महत्व होता है, तो इस संक्रांति हम तिल और गुड़ की लड्डू की जगह बनाएंगे तिल के पेड़े, जो खाने में बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आप भी मेरे बताए हुए ट्रिक का यूज कर बनाए ये तिल के पेड़े। इसके लिए 300 ग्राम तिल लेते हैं, इसे अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे। तिल को दो बार करके हम भूनेंगे, एक बार में ज़्यादा तिल डालने से वो अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हो पाते हैं। तिल को लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि वह चटकने ना लगे। तिल चटकने लगा है यानी कि यह अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। दूसरी कढ़ाई में हम 250 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ को छोटे टुकड़ों में पहले ही कर लेते हैं। एक कटोरी पानी डालेंगे जिससे यह जल्दी पक जाए और गुड़ को पिघलने तक इसे चलाते रहेंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरह से पिघल गया है। कभी कभी गुड़ में क्या होता है कि बहुत सारी गंदगी रहती है जो लड्डू बनाने के बाद वो हमारे दांतों के नीचे पड़ेंगे, तो इसके लिए हम छन्नी की हेल्प से गुड़ के सिरप को हम छान लेंगे। ये देखिए गुड़ से कुछ गंदगी बाहर आ गई है। गुड़ के सिरप को वापस कढ़ाई में डालेंगे। और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि यह गाढ़ा नहीं हो जाता है। सिरप हमारा तैयार हुआ कि नहीं इसे चेक करने के लिए हम कटोरी में पानी लेंगे और कुछ ड्रॉप जो है वो गुड़ के उसमें डालते हैं। इस तरीके से पानी को घुमाने के बावजूद गुड़ पानी में नहीं घुल रहा है, यानी हमारा सिरप जो है वो बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद करते हैं। दो चुटकी खाने वाला सोडा और एक चम्मच घी मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा गुड़ सिरप हम तिल में डालकर इसे मिलाएंगे। गुड़ अगर ठंडा हो जाता है तो इसे लो फ्लेम पर रख लेते हैं। तिल को गुड़ के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक जगह इस तरह से जमा करके रखते हैं जिससे कि यह जल्दी ठंडा ना हो पाए। तिल गुड़ मकर संक्रांति के लिए सबसे स्पेशल होता है और विंटर में फायदेमंद भी। पेड़े बनाने के लिए हाथ को थोड़ा गीला कर लेते हैं। एक किनारे से थोड़ा थोड़ा तिल लेकर इसे पेड़े का शेप देंगे। ये प्रोसेस हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो तिल जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तिल में फाइबर होता है और गुड़ में आयरन, इसलिए सिर्फ हमें मकर संक्रांति में ही इस तरह से तिल के लड्डू बनाकर नहीं खाने चाहिए, पूरी सर्दी हमें जो है वो तिल और गुड़ के लड्डू या पेड़े खाने चाहिए। 4-5 पेड़े जब इसी तरह से हम तैयार कर लें, तब एक कांच की बोतल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सॉस की बोतल ली हूँ, इसके मुंह पर हम पानी लगा लेते हैं और सभी पेड़े के बीच में इस तरह से हम थोड़ा दबाएंगे जिससे कि इसमें एक डिज़ाइन तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से सभी पेड़ों में हम डिज़ाइन 4-5 पेड़े फिर बनाते हैं और उसमें डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह से पूरे तिल के पेड़े हम तैयार कर लेते हैं। देखिए दिखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इस सर्दी आप भी इस तरह से तिल के पेड़े बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति।